सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। फ्रेंड्स, यहाँ पर ही बता रहा है कि जब मैं अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, एक ऐसा दौर जिसके बारे में मैं आज भी सोचता हूँ तो डर लगता है। इंग्लिश में बोलेंगे, व्हेन आई वॉज गोइंग थ्रू द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ। इसका मतलब है जब मैं अपने ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था। इंग्लिश में हम कैसे बोल रहे हैं, व्हेन आई वॉज गोइंग थ्रू द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ। जब मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहा था, अ फेज, एक ऐसा दौर दैट इज स्टिल स्केयर्स मी, एक ऐसा दौर जो मुझे आज भी डराता है। अ फेज दैट इज स्टिल स्केयर्स मी व्हेन आई थिंक अबाउट इट, जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ। इट वॉज सच अ डिफिकल्ट टाइम दैट नीदर माई फैमिली नॉर एनी वन एल्स स्टूड बाय मी। यहाँ पर ये कह रहा है कि इट वॉज सच अ डिफिकल्ट टाइम, ये इतना मुश्किल दौर था, इतना कठिन समय था, दैट कि नीदर माई फैमिली नॉर एनी वन एल्स, ना ही तो मेरा परिवार और ना ही कोई और स्टूड बाय मी, मेरे साथ खड़ा था, यानी मेरा साथ दिया था। यानी इतना बुरा दौर था कि ना ही तो मेरे परिवार ने और ना ही किसी और ने मेरा साथ दिया था, मेरे साथ खड़ा था। इट वॉज सच अ डिफिकल्ट टाइम दैट नीदर माई फैमिली नॉर एनी वन एल्स स्टूड बाय मी। बट टूडे, लेकिन आज, वेन आई रिफ्लेक्ट ऑन दैट डिफिकल्ट फेज, यहाँ पर रिफ्लेक्ट ऑन हमने क्यों यूज़ किया, देखो एक होता है कि यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि लेकिन आज जब मैं उस दौर के बारे में विचार करता हूँ, सोचता हूँ, तो इसके लिए हम थिंक का भी यूज़ कर सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि बट टूडे वेन आई थिंक अबाउट दैट डिफिकल्ट फेज, लेकिन इससे अच्छा जो यहाँ पर जो वर्ड सूट करेगा वो है रिफ्लेक्ट ऑन। रिफ्लेक्ट ऑन का मतलब भी होता है सोचना, किसी चीज़ के बारे में विचार करना। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि बट टूडे, लेकिन आज, वन आई रिफ्लेक्ट ऑन दैट डिफिकल्ट फेज, लेकिन आज जब मैं उस बुरे दौर के बारे में रिफ्लेक्ट करता हूँ, यानी सोचता हूँ, आई रियलाइज, तो मुझे एहसास होता है दैट 90% ऑफ माई वरीज, के जो 90% मेरी चिंताएं थी वो रिलेटेड टू मनी, वो पैसे से संबंधित थी। ड्यूरिंग दैट टाइम, यानी उस दौरान, उस समय में, ड्यूरिंग दैट टाइम, उस दौरान, आई हैड नो जॉब एंड नो मनी, मेरे पास कोई जॉब नहीं थी और ना ही कोई पैसा था। बताया जा रहा है कि ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय में, आई हैड नो जॉब एंड नो मनी, ना मेरे पास जॉब थी और ना ही पैसा था, विच रिजल्टेड इन अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी एंड एट होम। ये जाहिर सी बात है, यहाँ पर ये कह रहा है कि उस समय में मेरे पास ना तो कोई जॉब थी और ना ही पैसा था, विच रिजल्टेड, जिसका रिजल्ट क्या निकला, इन अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट की कमी थी इन सोसाइटी एंड एट होम, मेरी रिस्पेक्ट में कमी थी सोसाइटी, समाज में और होम में। यानी पैसा नहीं था मेरे पास, जॉब भी नहीं थी, तो समाज में और सोसाइटी में, मतलब घर में और समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं थी। आई वॉज कंसिडर्ड क्रेजी एंड लेजी, मुझे पागल और सुस्त समझा जाता था। आई वॉज कंसिडर्ड क्रेजी एंड लेजी, मुझे सुस्त और पागल समझा जाता था, इवन दो दैट वॉजेंट द केस, हालांकि ऐसा नहीं था। इवन दो दैट वॉजेंट द केस, हालांकि ऐसा नहीं था। आई जस्ट वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट, मैं बस कुछ अलग करना चाहता था। ये बता रहा है कि आई जस्ट वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट, मैं बस कुछ अलग करना चाहता था। आई डेंट वॉन्ट अ जॉब, मैं जॉब नहीं चाहता था। आई वॉन्टेड टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस, मैं खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। बट एट दैट टाइम, लेकिन उस समय, इट वॉजेंट ईजी, ये आसान नहीं था, बिकॉज आई डेंट हैव द मनी, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था टू स्टार्ट अ बिजनेस, बिजनेस शुरू करने के लिए। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मैं कुछ अलग करना चाहता था। आई जस्ट वॉन्टेड टू डू समथिंग डिफरेंट। आई डेंट वॉन्ट अ जॉब, मैं जॉब नहीं चाहता था। आई वॉन्टेड टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस, मैं खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता था। बट एट दैट टाइम, लेकिन उस समय, इट वॉजेंट ईजी, ये आसान नहीं था, बिकॉज, क्योंकि आई डेंट हैव द मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, मेरे पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं था। टाइम पास्ट, यानी समय बीतता गया। आगे बताया जा रहा है कि टाइम पास्ट, समय बीता, एंड वन डे, और एक दिन, आई स्टार्टेड माई ओन स्मॉल बिजनेस, और मैंने अपना खुद का छोटा बिजनेस शुरू किया, विच हैज़ नाउ बिकम क्वाइट सक्सेसफुल, जो अब काफ़ी कामयाब बन चुका है, यानी काफ़ी सक्सेसफुल हो चुका है मेरा वो बिजनेस। बट द लेसन आई हैव लर्न्ड फ्रॉम माई लाइफ एंड वॉट आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू इज दैट नो मैटर वॉट द वर्ल्ड सेज, मनी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि बट द लेसन, लेकिन सबक,
आई हैव लर्न्ड फ्रॉम माई लाइफ, जो मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा है, एंड वॉट आई वॉन्ट टू टेल ऑल ऑफ यू, और जो मैं तुम सबको बताना चाहता हूँ इज़ दैट, वो ये है कि नो मैटर वॉट द वर्ल्ड सेज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहे. नो मैटर वॉट द वर्ल्ड सेज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहे, मनी इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर यू, पैसा तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. विदाउट मनी, बिना पैसे के, यू बिकम नथिंग बट अ लिविंग कॉर्प्स. यहाँ पर कॉर्प्स का मतलब है लाश से, कॉर्प्स मतलब लाश. यहाँ पर बताया जा रहा है कि विदाउट मनी, बिना पैसे के, यू बिकम नथिंग बट अ लिविंग कॉर्प्स. इसका मतलब है कि बिना पैसे के तुम लाश के अलावा कुछ नहीं हो. यहाँ पर बट का यूज़ लेकिन के सेंस में नहीं हुआ, अलावा के सेंस में हुआ है. विदाउट मनी यू बिकम नथिंग बट अ लिविंग कॉर्प्स, बिना पैसों के तुम लाश के अलावा कुछ नहीं हो. इफ़ यू डोंट हैव मनी, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव मनी, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, वन प्रॉब्लम आफ्टर अनदर विल कीप कमिंग योर वे इन लाइफ. अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो एक के बाद एक परेशानी तुम्हारे रास्ते में आती रहेगी, तुम्हारी ज़िंदगी में आती रहेगी. इफ़ यू डोंट हैव मनी, वन प्रॉब्लम आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरी प्रॉब्लम विल कीप कमिंग, आती रहेगी योर वे इन लाइफ, तुम्हारे रास्ते में, ज़िंदगी में, यानी ज़िंदगी में एक के बाद एक प्रॉब्लम तुम्हारी लाइफ में आती रहेगी. इफ़ यू डोंट हैव मनी, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, इफ़ यू डोंट हैव मनी, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, नीदर योर फैमिली नॉर सोसाइटी विल रिस्पेक्ट यू, ना ही तुम्हारा परिवार और ना ही समाज तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा. इफ़ यू डोंट हैव मनी, नीदर योर फैमिली नॉर सोसाइटी विल रिस्पेक्ट यू. अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो ना ही समाज और ना ही तुम्हारे परिवार तुम्हारी इज्जत करेगा. फॉरगॉट अबाउट अदर्स, दूसरों की तो बात ही भूल जाओ. फॉरगॉट अबाउट अदर्स यानी दूसरों के बारे में भूल जाओ. यू विल लूज सेल्फ रिस्पेक्ट इन योर ओन आइज, तुम अपनी खुद की नज़रों में इज्जत खो दोगे. ऐसा होता है अक्सर, मतलब जब हम, हमें लगता है कि हम जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे और हम ट्राई भी नहीं कर रहे, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को ही, अपने आप की ही रिस्पेक्ट खोने लगते हैं अपनी नज़रों में. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि फॉरगेट अबाउट अदर्स, दूसरों के बारे में तो भूल जाओ. यू विल लूज सेल्फ रिस्पेक्ट इन योर ओन आइज, तुम खुद की नज़रों में इज्जत खो दोगे. विदाउट मनी यू कॉन्ट डू एनी थिंग फॉर योर सेल्फ और फॉर अदर्स, बिना पैसों के तुम खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते और दूसरों के लिए भी नहीं. एंड इफ, और अगर यू एक्सीडेंटली फॉल इन टू द ट्रैप ऑफ डेट, और अगर तुम गलती से कर्जे के जाल में फंस गए, यानी कि एक तो पैसा नहीं होता और दूसरा ऊपर से बंदा जाल में फंस जा, कर्जे में, यानी कर्जे में गिर जा. तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि विदाउट मनी यू कॉन्ट डू एनी थिंग फॉर योर सेल्फ और फॉर अदर्स, बिना पैसों के तुम अपने लिए दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते. एंड इफ, और अगर यू एक्सीडेंटली, तुम गलती से फॉल इन टू द ट्रैप ऑफ डेट, तुम कर्जे के जाल में गलती से फंस गए, योर इंटायर लाइफ विल बी रुइंड, जो तुम्हारी पूरी ज़िंदगी है वो बर्बाद हो जाएगी. अब आगे देखते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि देयर फोर, इसीलिए, देयर फोर का क्या मतलब है, इसीलिए, नो मैटर वॉट हैपन्स, चाहे जो हो जाए, नो मैटर वॉट द वर्ल्ड सेज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहे. देयर फोर, इसीलिए, नो मैटर वॉट हैपन्स, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्या हो जाए, नो मैटर वॉट द वर्ल्ड सेज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहे, अर्न मनी, पैसा कमाओ. नो वर्क इज़ टू स्मॉल और टू बिग, कोई काम ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा नहीं होता. इफ़ यू कॉन्ट फाइंड अ जॉब, अगर तुम्हें जॉब नहीं मिल रही, अगर तुम जॉब नहीं ढूंढ सकते, स्टार्ट योर ओन स्मॉल बिजनेस, अपना खुद का छोटा बिजनेस शुरू करो. आई हैव सीन पीपल अर्निंग लाख्स ऑफ रुपीज़ बाय सेलिंग टी, मैंने लोगों को चाय बेचते हुए लाखों रुपए कमाते देखा है, यानी चाय बेच के लाखों रुपए कमाते देखा है. आई हैव सीन पीपल अर्निंग लाख्स ऑफ रुपीज़ बाय सेलिंग टी. सो डोंट फील अशेम्ड ऑफ एनी वर्क, तो किसी भी काम को करने में शर्माओ मत. सो डोंट फील अशेम्ड ऑफ एनी वर्क बिकॉज वी डोंट नो, क्योंकि हम नहीं जानते वेयर अ पर्टिकुलर जॉब, कौन सी जॉब, कौन सा काम माइट टेक अस, हमें कहाँ ले जाए, हम नहीं जानते कि कौन सा काम, कौन सी जॉब हमें कहाँ ले जाए, बिकॉज वी डोंट नो वेयर अ पर्टिकुलर जॉब माइट टेक अस. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही. आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना.